पहले भी बताया है कि वो जो इनपुट्स होंगे आपके साइकोलॉजी में काम करने के, वो आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स के ही होंगे। और वो पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन कौन से होंगे? दो तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप पोजेस करते हो, एक होता है इनहेरिटेड और दूसरा होता है लर्न्ड। इनहेरिटेड वो ट्रेट्स होते हैं जो कि आपके फादर फोर फादर्स से आप में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे कहते हैं जेनेटिक ट्रांसफर। वो जेनेटिकली आपके अंदर होंगे, आप अपने पापा की तरह दिख रहे होंगे, उनकी तरह आवाज होगी, आप मम्मी की तरह दिख रहे होंगे, तो ये सब जेनेटिक ट्रांसफर है, इसमें आपका कोई जोर नहीं है। इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाता है। दूसरा सेगमेंट क्या है? दूसरा सेगमेंट है आपका लर्न करेक्टरिस्टिक्स, परसेप्शन, लर्निंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और बहुत सारी चीजें, जैसे जो आपका एजुकेशन लेवल होता है। आप अगर 8th पास हो गए तो आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस 8th पास का होगा, अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ग्रेजुएट जैसा होगा। पोस्ट ग्रेजुएट आप कर रहे हो तो यू आर द मोस्ट कह सकते हैं मेच्योर पर्सन अकॉर्डिंग टू दी एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन में माना जाता है कि द पर्सन हु पोजेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दे आर एजुकेटेड एनफ टू डील विद द इश्यूज। तो जितने भी इश्यूज आएंगे एक पीजी का जो बंदा होता है, दे कैन डील विथ इट वेरी इजली।